बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का मौज़ू बहस सातवें चैप्टर अरामो स्कूल के मुसन्नफ़ सैयद इम्तियाज़ अली ताज पे बहस होगी। सैयद इम्तियाज़ अली ताज 1900 में पैदा हुए और 1970 में सपुर्दे खाक हुए। सैयद इम्तियाज़ अली ताज लाहौर में पैदा हुए, उनके वालिद, आखिरकार आपके शहर का राइटर आ गया लाहौर में। उनके वालिद मौलवी मुमताज़ अली को शम्सुल उलमा का खिताब मिला। कौन सा खिताब? शम्सुल उलमा। इम्तियाज़ अली ने, यह ईल नहीं है बल्कि क्या है, इम्तियाज़ अली, इम्तियाज़ अली ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर, ये जो जीसी यूनिवर्सिटी के साथ, उर्दू बाजार के साथ है, क्लियर, लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज यानी जीसीयू से तालीम हासिल की। अपने ज़माने तालिब इल्मी में मुनफरिद अंग्रेज़ी ड्रामों के तराजम यानी तर्जमे करके स्टेज पर पेश किए, यानी उर्दू में उन्होंने अंग्रेज़ी ड्रामों को पेश किया। 1932 में मशहूर ज़माना ड्रामा अनारकली लिखा। उनके मजाया स्केच, चचा छक्कन जो है ना, ये मजाया स्केच है, के नाम से शाया हुए और बहुत मकबूल हुए। रिसाला तहजीब निस्वां, रिसाला का नाम क्या है, रिसाला तहजीब निस्वां और रिसाला फूल के मदीर यानी एडिटर रहे। रेडियो प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, यहाँ पे अलिफ आएगा, शुरू किया। तो कौन सा रेडियो पाकिस्तान पे प्रोग्राम शुरू किया था? पाकिस्तान हमारा है शुरू किया। और रेडियो के लिए दर्जनों ड्रामे लिखे। पता चला कि रेडियो पे ज़ुबानी ड्रामे जो बोले जाते थे वो भी, और फीचर लिखे। बहुत सी फिल्मी कहानियाँ भी उनकी तहरीर करदा हैं, यानी कई फिल्मों की कहानियाँ भी उन्होंने लिखी। वो मजलिस तरक्की अदब लाहौर के सेक्रेटरी भी रहे। अप्रैल 1970 में उनको नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में तमाम लिसानी खूबियाँ मौजूद हैं, यानी ऑल द लिंग्विस्टिक्स फीचर्स, लिंग्विस्टिक्स जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके, सेलियंट्स हैं, वो अवेलेबल हैं, यानी ज़ुबान के एतबार से परफेक्ट हैं उनकी, क्या ड्रामे उनके। उनकी तहरीर सादा और बे तकल्लुफ़ है, यानी बनावट का सहारा नहीं लेते। वो अल्फाज का इस्तेमाल बड़े सलीक़े से करते हैं और मामूली अल्फाज को भी इतनी खुश असलूबी से इस्तेमाल करते हैं कि वो कारी के जहन पर गहरा असर मुरतब करते हैं। उनके ड्रामों की ज़ुबान सलीस और रवां है। इम्तियाज़ अली ताज किरदारों की तख्लीक में बड़ी फ़नी महारत का सबूत देते हैं, यानी उनके किरदार जो हैं वो उनकी फ़नी महारत का मुजाहरा करते हैं। वो अपने किरदारों को नफ्सियाती तज्जिए यानी साइकोलॉजिकल एनालिसिस, क्लियर, साइको एनालिटिक्स इसे कहते हैं, क्लियर, के साथ आगे बढ़ाते हैं। और वो महज कठपुतली नहीं होते बल्कि जानदार, जिंदा और मुतहरक होते हैं। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में चुस्तगी, बरजस्तगी और बेसाख्तगी मिलती है। किसी ड्रामे के, ये देखिए हर राइटर में ये वर्ड हमें मिल रहे हैं, चुस्ती, बरजस्तगी और बेसाख्तगी मिलती है। किसी ड्रामे के की कामयाबी का दारोमदार उसके मुकालमों पर होता है। यही वजह है कि उन्होंने मुकालमा निगारी यानी डायलॉग राइटिंग की तरफ खसूसी तवज्जो दी है। उनके यहाँ जज्बात निगारी की ऐसी हसीन मिसालें मिलती हैं, यानी जज्बात की जो अकासी करने की, क्लियर, जज्बात को पोर्ट्रे करने की, जो उर्दू के ड्रामाई अदब में बहुत कम मिलती हैं। यानी ड्रामा के अंदर इतनी जज्बात यानी इमोशन नहीं मिलेंगे जितने सैयद इम्तियाज़ अली ताज के हैं। उनका एक मरूफ ड्रामा अरामो स्कूल की इसकी वाज़ह मिसाल है कि उनकी मज़ाक में कहीं कोई तकल्लुफ़ नज़र नहीं आता। उन्होंने मामूल के वाक़यात और किरदारों के सीधे सादे मुकालमों से मज़ाक पैदा किया है। थैंक यू।